नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन आर्मी जी के गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं सेट संख्या 23 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 20 है और इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है। खासकर आने वाले एग्जाम रेलवे लोको पायलट ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें। एक बात और दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए शुरू किया जाए। तो आज का पहला सवाल है, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो दोस्तों गाय और भैंस के थन से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। और दोस्तों ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका प्रयोग फल और सब्जी के आकार में यानी कि तेज़ी से वृद्धि के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का सुई का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि फल और सब्जी के आकार में तेज़ी से वृद्धि के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही आंसर है। आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है। और दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि आयोडीन के कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो दोस्तों शरीर में आयोडीन के कमी के कारण ग्वाइटर नामक रोग होता है, जिसे घेघा के नाम से भी जानते हैं। तो आयोडीन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो ग्वाइटर, जो कि गला को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायरोक्सिन। और टेस्टोस्टेरोन जो है इसे महिला हार्मोन के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महिला हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन को। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है, थायरोक्सिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों मुख्य रूप से रक्तदाब का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। यदि ऑप्शन में हाइपोथैलेमस ना रहे तो अधिवृक्क भी आंसर कहीं कहीं दे देता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिवृक्क। अधिवृक्क भी सही है। और मुख्य रूप से बोला जाए तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। लेकिन यहाँ पे हाइपोथैलेमस नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिवृक्क। यदि दोनों ऑप्शन में रहे तो पहले हाइपोथैलेमस को आंसर देंगे और उसके बाद अधिवृक्क को, यानी कि सेकेंड में रखेंगे। फर्स्ट मान्यता हाइपोथैलेमस को देंगे और यदि हाइपोथैलेमस ना रहे तो अधिवृक्क सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो दोस्तों जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो एंड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड्रिनल। एंड्रिनल सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन है एक प्रकार का? तो दोस्तों इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है और इंसुलिन शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, और इंसुलिन के अधिकता के कारण ही कौन सा बीमारी होता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया जो है एक प्रकार का रोग है जो कि इंसुलिन के अधिकता के कारण होता है और इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग होता है। और दोस्तों इंसुलिन का खोज किसने किया है, तो इंसुलिन का खोज बेटिक एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है कि इंसुलिन का खोज किसने किया, तो बेटिक एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, इंसुलिन एक प्रकार का है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का इकाई है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी का। और ऑप्शन बी में दिया गया है ऊर्जा। तो दोस्तों ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है जूल, कार्य तथा ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है जूल, और बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, जबकि संवेग का एसआई यूनिट होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। केजी मीटर प्रति सेकंड जो है वो संवेग का एसआई यूनिट होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। और सफ़ेद यानी कि लाल ब्लड का क्या कारण, यहाँ पे सफ़ेद पूछा गया है, लेकिन यदि एग्जाम में पूछा जाए कि रेड यानी कि लाल रक्त कण का क्या मुख्य कार्य क्या है, तो दोस्तों लाल रक्त कण का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है, तो इस क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे।
क्वेश्चन पूछा जाएगा लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, तो आंसर हो जाएगा O2 का परिवहन करना। और लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AB। AB रक्त समूह जो है वो सर्वग्राही है और O रक्त समूह जो है वो सर्वदाता है। यूनिवर्सल डोनर के रूप में O को जाना जाता है, जबकि यूनिवर्सल रिसिप्टर के नाम से AB को जाना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड यानी कि ब्लड ग्रुप जो है 4 प्रकार का होता है, पहला A, दूसरा B, तीसरा O और चौथा AB। ये 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, जिसमें AB जो है यूनिवर्सल रिसिप्टर कहलाता है और O यूनिवर्सल यानी डोनर कहलाता है। और AB में एंटीबॉडी होता है, AB में एंटीजन होता है, और जबकि O में एंटीबॉडी होता है। ध्यान दीजिएगा, AB में एंटीजन होता है और एंटीबॉडी नहीं। AB रक्त समूह में एंटीजन होता है और एंटीबॉडी नहीं होता है, लेकिन रक्त समूह O में एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया है कि किस रक्त समूह में एंटीजन होता है, तो AB रक्त समूह में एंटीजन होता है और O रक्त समूह में एंटीबॉडी होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AB। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो दोस्तों सेरेब्रम जो है वो मस्तिष्क से संबंधित है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। और सेरेब्रम को ही मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, और सेरेब्रम जो है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। और यकृत जो है हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा यकृत या लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, जिसे सेरेब्रम के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाइरूविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो पाइरूविक अम्ल का। और लैटिक अम्ल जो है, लैटिक अम्ल मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, तो दोस्तों लैटिक अम्ल जो है मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैटिक अम्ल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाइरूविक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन किससे संबंधित है, तो दोस्तों नेफ्रॉन जो है ब्रिक का यूनिट होता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्रिक का यूनिट क्या कहलाता है, तो नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र के यूनिट क्या कहलाता है, तो न्यूरॉन। ब्रिक जो है ब्रिक का यूनिट नेफ्रॉन कहलाता है, जबकि तंत्रिका तंत्र के यूनिट न्यूरॉन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है नेफ्रॉन किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिक। अपोहन जो है एक कृत्रिम प्रक्रिया है, जब यानी कि हमारे शरीर में दोनों ब्रिक काम करना बंद कर देता है, तो एक कृत्रिम ब्रिक लगाया जाता है जिसे डायलिसिस कहा जाता है, और डायलिसिस का ही हिंदी नाम अपोहन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो दोस्तों निषेचन का क्रिया अंडवाहिनी में होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडवाहिनी। अंडवाहिनी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग से पता की जाती है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग से पता की जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्ट्रासाउंड। दोस्तों अल्ट्रासाउंड के प्रयोग करके गर्भाशय में पल रहे शिशु के विकास का पता लगाया जा सकता है या लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों स्त्रियों की नसबंदी को
ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ट्यूबेक्टोमी। और पुरुषों के नसबंदी वैसेक्टोमी कहलाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है जठर। जठर जो है एक प्रकार का रस है, ये एक ग्रंथि नहीं है, जबकि थायराइड ग्रंथि है, यकृत भी ग्रंथि है, अग्नाशय भी ग्रंथि है। और यकृत जो है हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, और अग्नाशय जो है इसका दूसरा नाम पैनक्रियाज है, और अग्नाशय जो है ये हमारे शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे शरीर के सबसे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय, और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत, और सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पीयूष ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रंथि नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जठर। जठर एक प्रकार का रस है, आंतरिक रस, जिसको आंतरिक रस भी बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और पीयूष ग्रंथि जो है ये हमारे शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि है, और ये जो है पीयूष ग्रंथि ये मस्तिष्क के एक स्पेनाइड नामक गड्ढा में पाया जाता है, और इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को, और ये हमारे शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग की वाहक कौन होती है? तो दोस्तों हीमोफीलिया रोग का वाहक स्त्रियाँ होती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्रियाँ। और पूछा जाए एग्जाम में कि हीमोफीलिया रोग मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, तो आंसर हो जाएगा पुरुष। पुरुष को मुख्य रूप से हीमोफीलिया रोग प्रभावित करता है, लेकिन इसका वाहक कौन होता है, तो स्त्रियां। और दोस्तों हीमोफीलिया एक प्रकार का बीमारी है, जिसमें रक्त थक्का नहीं जमता है, यदि कहीं पे कट जाए तो उस व्यक्ति के लगभग आधा घंटा से लेकर 24 घंटा तक उस व्यक्ति का रक्त थक्का नहीं जमता है। ध्यान दीजिएगा, हीमोफीलिया एक खतरनाक बीमारी है, जो जिसका वाहक कौन होता है, तो स्त्रियाँ होता है, और मुख्य रूप से हीमोफीलिया किसको प्रभावित करता है, तो पुरुष को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टनल सिंड्रोम रोग होता है? तो दोस्तों टनल सिंड्रोम रोग जो है एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण होता है, और ये जो टनल सिंड्रोम रोग है यह महिला में होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, जिसके वजह से महिलाओं में बांझापन होता है। ध्यान दीजिएगा, महिलाओं में बांझापन किसके वजह से होता है, तो टनल सिंड्रोम रोग के कारण, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या एक घट जाती है, 46 से 45 हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं अधिक अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, और आप एग्ज़ाम में जाएं तो पता चले कि कितने अच्छे क्वेश्चन थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करता है। तो आप ध्यान दें हमारे चैनल पे, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।